नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज। आपको बता दें कि श्री प्रदीप गुप्ता एक प्रसिद्ध समाज सेवक है जो हमेशा समाज के प्रति अपनी संवेदनापूर्ण हृदय के लिए जाने जाते हैं। कोविड 19 के इस दूसरे चरण में संकट के दौरान वह फिर से दिल्ली पुलिस की मदद से कुछ परेशान लोगों के लिए एक मदद के रूप में उभर कर आए हैं तथा दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को दिन का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैनिटाइज्ड किचन में लोगों के लिए खाना बनाया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की मदद से सभी खाने के पैकेट नई दिल्ली के आसपास के इलाके में बांटे गए। दिल्ली पुलिस श्री प्रदीप गुप्ता की सर्व द नीडी 2.0 अभियान की पहल का समर्थन करती है। नई दिल्ली जिले के क्षेत्रों में 2000 से अधिक लोगों की सेवा के लिए अभियान चल रहा है। इस पहल के बारे में बात करने के लिए श्री प्रदीप गुप्ता ने कहा, मैं अपने अभियान के दूसरे चरण के बारे में खुश हूँ जहाँ हम अधिक लोगों तक पहुँच रहे हैं और हमारी पहल के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम आभारी हैं कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोग हमारे मिशन का समर्थन करें। इस अभियान को शुरू करने के लिए श्री प्रदीप गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। कोविड 19 संकट के दौरान प्रोटोकॉल और दिल्ली पुलिस ने जरूरतमंद लोगों के लिए मदद का हाथ दिया है। यहाँ तक कि नई दिल्ली जिले के स्थानीय पुलिस स्टेशन भी इस सेवा के मिशन में शामिल हुए। इस धर्मार्थ मिशन पर टिप्पणी करने के लिए श्री दीपक यादव पुलिस उपायुक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली जिले ने कहा, दिल्ली पुलिस लोगों की भलाई के लिए काम करती है और यहाँ के लोगों के लिए खड़े व्यक्तियों और फाउंडेशनों की उन सभी पहलों का समर्थन करेगी। सुश्री अंजिता चेप्याला एडिशनल डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली जिले ने कहा, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रदीप गुप्ता फाउंडेशन को धन्यवाद और हम सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए जरूरतमंद लोगों को यह भोजन परोसेंगे। बहुमुखी व्यक्तित्व वाले श्री प्रदीप गुप्ता एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ बिजनेस कोच, फिल्म निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता और पशु प्रेमी भी हैं तथा जैक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज और महिमा प्रोडक्शंस लिमिटेड की बागडोर भी संभालते हैं। अब देखिए हमारे संवाददाता एस के सागर की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर यस, 4 दिन तब बताया गया है, हमें 4 दिन हम लाके देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब यहाँ फोर डेज का वहाँ 7 डेज का था और ये हम वहाँ जाके बांट के आए थे। हेलो, लाइट मोड कर दो। इनको बोलो माइक आईडी ले ले। बोलो 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 माइक आईडी। मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है। मैं बाबू रतन स्वीट्स ग्रेटर नोएडा से हूँ और ये प्रोग्राम प्रदीप गुप्ता जी की तरफ से प्रायोजित है और इसको दीपक यादव जी के, हमारे जो डीसीपी हैं दीपक यादव जी, उनके निर्देशन में इसको यहाँ बांटा जाएगा और ये 4 दिन का प्रोग्राम है। 500-500 पैकेट 4 दिन आएंगे, चारों दिन अलग अलग तरह के उनमें खाना होगा। 4 दिन
फूड को चेक कैसे किया जाएगा और कितने क्या चेक? फूड को जो हमारे वहाँ पे चेकर्स हैं फुल हाइजीन एंड उससे खाना बनाया जाता है हमारे यहाँ, जिसमें कोई पूरी कोविड 19 की देखते हुए सारा किया जाता है। ये जो संसद मार्ग में थाने में आपने ये डीसीपी ऑफिस में खाना रखवाया है, हाँ जी, यहाँ से चेक होकर ये किन किन थानों में जाएगा? ये यहाँ से जो थानों में जाएगा, नॉर्थ एवेन्यू जाएगा, मंदिर मार्ग जाएगा और आपका कुल मिला के 9 थानों में जाएगा। ये 9 थानों से फिर ये खाना कहाँ जाएगा? फिर ये 9 थानों से जो खाना जाएगा, जो भूखे और बेसहारा लोग हैं झुग्गी झोंपड़े में, उनके लिए ये प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये थाने के लोग भी आपके साथ में होंगे इनको प्रोवाइड कराने में? हाँ जी, ये थाने के लोग उनकी जिप्सियों में जाएगा, हमारे वॉलेंटियर संग जाएंगे जो वहाँ जाके खाना बंटवाएंगे। मैम, ये जो प्रदीप गुप्ता जी के द्वारा जो मुहिम चलाया गया है गरीबों को, जो ये फूड पैकेट जो काटे जा रहे हैं और आपके दिल्ली पुलिस के साथ उसमें समर्थन में, तो आप सब भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदीप गुप्ता फाउंडेशन को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना सोचा है कि बहुत सारे नीडी लोग हैं जो अभी जिनको खाना बांटने की इन्होंने ये जो चलाई है, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड हम यही कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी नीडी पर्सन्स को ये खाना पहुँचाना है वो हम आइडेंटिफाई करके एंड प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो उसमें हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम करती है उसके लिए आप जनता से क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो हमारी तो यही अपील है सारी लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर फॉलो करें ताकि हम थर्ड वेव जो कह रहे हैं कि आएगी उससे बच सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।